ए डॉट आई इंटू ए डॉट ए क्रॉस आई कैप, अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। चलिए तो सबसे पहले मैं इसमें ए कुछ मान लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक, एक चीज तो ये। दूसरी चीज में ये चीज हमें मालूम होनी ही चाहिए कि आई जे के जो है वो ये एरो फॉलो करते क्रॉस प्रोडक्ट में, आई थिंक ये तो मतलब पता होना चाहिए, ठीक, ये तो हमें मालूम ही होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमें। चलो ए डॉट आई, आई थिंक समझ में आ रहा है कि तो एक्स होने वाले, ठीक। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ए का क्रॉस ले रहा हूं आई के साथ, तो आई वाला आई के साथ तो गया। अब देखिए ये जे क्रॉस आई बना, तो जे क्रॉस आई क्या बना, माइनस के, तो माइनस वाई के बना और प्लस का जेड आई बन जाएगा, क्योंकि के और आई लिया ना, जेड जे बन जाएगा, जेड जे, देख लीजिए आप एक बार, माइनस वाई के प्लस जेड जे, ठीक है। सिमिलरली अगला क्या है, प्लस में देखो वाई, वाई तो आएगा ही क्योंकि जैसे जब मैं डॉट ले रहा हूं, तो दूसरा क्या आएगा देखते हैं, तो ए का जे के साथ, तो जे तो गया आई जे, तो एक्स के आएगा, ठीक, और माइनस का आएगा इसमें, फिर एक दूसरा माइनस का बनता है जेड का, यहां पे के है यहां पे जे है तो आई आ जाएगा, ठीक। फिर एक लास्ट वाला बन गया, उसको भी देख लेते हैं, तो जेड के साथ आएगा के, के जाएगा तो के वाले को खा जाएगा, आई के का आएगा माइनस जे, ठीक है, तो माइनस एक्स जे, ठीक है ना। और क्या बच गया भाई, के मल्टीप्लाई हुआ जे के साथ, एक सेकेंड, जे मल्टीप्लाई हुआ के साथ तो आई देगा, जेड आई आ जाएगा, ठीक। चलिए तो बस हम यहां से एक इसको सॉल्व करना है ना, और वो जीरो आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, जीरो वेक्टर, ठीक, वेक्टर्स ही है सब, ठीक है, देख लीजिए। एक सेकेंड, यहां पे मैंने शायद थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, वाई होना चाहिए ना यहाँ पे, मैं वही सोचूं, हाँ अभी ठीक है, क्योंकि सेकेंड कोफिशिएंट तो वाई था ना, हाँ, माइनस एक्स के माइनस जेड आई, ठीक है।